26 नवंबर संविधान दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 26 नवंबर को हमारा संविधान हमने अंगीकृत किया था और हमारे संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर और मनुष्यों का त्याग समर्पण उनके कर्तव्य को याद करने का दिन है कि आज 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और वो लोकतंत्र हमें संविधान की मूल भावनाओं से मिला है। आज़ादी के बाद जब हमने संविधान की चर्चा की, डिबेट शुरू की, तो हमारे मूल में, हमारी विरासत में लोकतंत्र था। लोकतंत्र हमारे विचार, हमारी कार्यप्रणाली में था और उस समय हमने देश के अंदर एक ऐसी शासन पद्धति दी जो हमारे मनुष्यों की दूरदृष्टि थी कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और उन महान मनुष्यों का दूरदृष्टि और उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक था, उनका चिंतन इनका व्यापक था कि उस समय उन्होंने संविधान बनाते समय संपूर्ण देश की विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, राजनीतिक दलों की विविधताएं, उन विविधताओं को कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है, हमारी विविधता हमारी ताकत बढ़े, इसके लिए संविधान के मूल भावनाएं हैं और संविधान के कारण ही हमारी विविधताएं ताकत बनी और संविधान के कारण ही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमने अपनाई जो आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। सर, इस बार जश्न की कैसे तैयारी चल रही है? 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अगुवाई में ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी पूरे देश के अंदर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सारे देशवाली एक साथ सामूहिकता से करेंगे ताकि संविधान के प्रति हम कर्तव्य व्यक्त कर सकें और संविधान की मूल भावना और सामर्थ्य की ताकत को जन जन की ताकत पहुंचा सकें। मुझे आशा है कि ये संविधान दिवस जन आंदोलन बनेगा और संविधान पर हम सब संविधान के प्रति अपनी कर्तव्य व्यक्त करेंगे और उन मनुष्यों को जिन्होंने इस पर योगदान दिया उनके प्रति भी कर्तव्य व्यक्त करेंगे और संविधान के मूल कर्तव्य दायित्वों को हम आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के सपनों को भी साकार करेंगे। सर, जो हमारी राजनीति है उसमें विभिन्न मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं संविधान भी इर्द गिर्द घूमता है, तमाम राजनीतिक दलों का एक मुद्दा रहता है, किस तरह से देखते हैं संविधान के इर्द गिर्द जो हमारी राजनीति घूमती है? देखिए, संविधान भारत के 140 करोड़ों का धर्म ग्रंथ है। संविधान हमारा सामर्थ्य है, संविधान हमारी शक्ति है, संविधान हमारा मार्गदर्शन है, न किसी व्यक्ति का, न किसी एक राजनीतिक दल का। जब संविधान बनाते समय हमारी मूल भावनाएं सबको समानता, बंधुत्व, सबको अधिकार और सबको कर्तव्य, एक ऐसा व्यापक विचार है कि आज 75 वर्ष के बाद भी हमारा संविधान व्यापक दृष्टिकोण के साथ हमें मार्गदर्शन कर रहा है। और संविधान हमारा कानूनी दस्तावेज नहीं है, संविधान हमारा सामाजिक दस्तावेज है। इस संविधान के कारण ही हमने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े व्यक्तियों को संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार समान लाने का काम किया, हमारी धर्म, हमारी व्यक्ति की आज़ादी। दुनिया के अंदर आज भारत के संविधान को लोग पढ़ते हैं,
उसकी विचारधारा को समझते हैं कि उस समय कैसे हमने मताधिकार का प्रयोग सभी वर्गों को, सभी जातियों को, और बिना धर्म और बिना लिंग के भेदभाव के सबको अधिकार मिले। इसलिए जो मूल हमारा संविधान की भावना वो समानता की, बंधुत्व की, जो आज भी हम सबको जोड़ने का और एक साथ मिलकर काम करने की सामर्थ्य देती, दिशा देती है। राजनीतिक रूप से सब संविधान के प्रति सम्मान करते हैं, सबको संविधान करना चाहिए, इसमें संविधान को राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि संविधान सबका मार्गदर्शक है। संविधान हमारी संविधानिक व्यवस्थाएँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के कार्य के विभाजन के साथ सरकार चलाने और उसके मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज भी हम संविधान के मार्गदर्शन में ही, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकार, वो काम करती है। सर, लेकिन एक सवाल उठता है, चूँकि बिना राजनीति के संसद नहीं चलती है, बिना राजनीति के कोई राजनीतिक दल नहीं चलता है, ऐसे में अगर कभी कोई आरोप लगाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि ऐसा संभव है या संविधान पर कोई खतरा है? देखो, संविधान में परिवर्तनशीलता संविधान बनाने वालों ने हमेशा मूल भावना रखी, और समय परिस्थितियों के अनुसार, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार, जनता के अधिकार और पारदर्शिता के लिए भी, समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए भी समय समय पर संविधान में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने संविधान की मूल भावनाओं से हस्तक्षेप नहीं किया, छेड़खानी नहीं की, और इसीलिए कानून के अंदर न्यायपालिका को मूल भावनाएं रहे, इसकी समीक्षा करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसी भी दल की विचारधारा की सरकार रहो, हम संविधान की मूल भावनाओं से कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो हमारा संविधानिक अधिकार है गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों को, वो आज की भी आवश्यकता है, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश और राष्ट्र को हमेशा कहा है कि समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को आज भी सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता है, और इसीलिए उनको सामाजिक आरक्षण के साथ उनके जीवन के अंदर समृद्धि आए, उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो, उसके लिए संविधान के मूल दर्शन में सरकार काम करती है। सर, एक मुद्दा उठता है कि संविधान का अक्षरशः पालन हो, लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या समझते हैं, कितना अक्षरशः पालन होता है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखो, संविधान का अक्षर पालन सब, जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका, सब करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उस समय विचार व्यक्त किया था कि संविधान कितना भी श्रेष्ठ हो, संविधान को की मानने वाले, संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले, वो समूह, वो व्यक्ति, जितने बेहतर होंगे, जितनी उनकी सही दिशा होगी, दृष्टिकोण होगा, उतना ही संविधान सामर्थ्य बढ़ेगा। इसलिए संविधान को मानने वाले, संविधान को अपनाने वाले मूल सबों व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है, बाबा साहब ने कहा था। और मेरा मानना है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने संविधान के प्रति हमेशा निष्ठा रखी है, संविधान के मार्गदर्शन में काम किया है, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, सभी ने, लोकतांत्रिक संस्थाओं ने संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप, संविधान में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम करती है, भविष्य में भी करती रहेगी। मेरे पूर्व अध्यक्षों ने भी संविधान की मूल भावनाएं, संविधान के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा है। मुझे आशा है कि हम संविधान के मूल में ही काम करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे।
सर, अध्यक्ष के तौर पर जब आप सदन चलाते हैं तो कई बार होता है हंगामा होता है, हंगामे की वजह से कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ती है, कई बार असहमति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो संवैधानिक दायित्व हैं उनको और प्रभावी तरीके से उन पर काम हो, इम्प्लीमेंट हो, तो कैसे और उत्पादकता भी बढ़े। देखिए, संविधान दिवस पर हमें संविधान सभा की डिबेट और चर्चाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संविधान सभा में भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग भी थे, लेकिन उस संविधान सभा में एक सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। सहमति असहमति तो उस समय भी थी, और सहमति असहमति में लोकतंत्र की ताकत है। और आज समय आ गया है कि हमें संविधान सभा की उस डिबेट से, उच्च कोटि की परंपराओं से हमें प्रेरणा लेने की, कि जहाँ पर सभी दल विचारधारा के लोग हों, सभी धर्म के लोग हों, उनके सभी विचारधाराओं के, धर्मों के मानते हुए हम किस तरीके से शेष चर्चा कर सकते हैं, उच्च मर्यादा कायम कर सकते हैं, उच्च आचरण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सदनों के अंदर हमें संविधान दिवस पर, संविधान दिवस की शेष परंपराएं परपाटियों पर भी प्रेरणा लेने का दिन है, ताकि हम अपने अपने सदनों के अंदर अच्छी चर्चा कर सकें, उच्च कोटि की चर्चा कर सकें, सहमति असहमति हो, लेकिन देश के हित में जहाँ आवश्यकता हो सहमति से, सामूहिकता से काम करें। जितनी सहमति सामूहिकता से काम करेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। विचारधाराएं अलग हो सकती है, अभिव्यक्ति भी अलग हो सकती है, लेकिन देश प्रथम है, ये मूल भावना संविधान में भी है और ये मूल धारणा हमारे विचारधारा में हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए मेरा हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह रहता है कि हम सदनों की गरिमा को बना के रखें, उच्च कोटि की परंपराओं को बनाए रखें, हमारी विरासत उच्च कोटि की परंपराओं मर्यादाओं की रही है, उसको कायम करें। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने शिष्ट आचरण करते हुए सदन की मर्यादाओं और गरिमा को बनाते हुए एक अच्छी चर्चा संवाद करेंगे और अच्छी परंपराएं स्थापित करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, आपके साथ हमने कई जगह पर ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस भी कवर किया, जिसमें कि एक बात पर सहमति बनी, जैसा आप कह रहे हैं कि हंगामा होता है, तो आपकी अपेक्षा रहती है उसमें कई जगह पर जो विपक्षी दलों की भी, जिन राज्यों में सरकारें हैं उनके भी अध्यक्ष ने कहा कि वेल में आने के लिए नियम कड़े होने चाहिए, प्ले कार्ड लेकर के कोई ना आए, ये तमाम चीज़ें एक अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आप क्या अपेक्षा करते हैं इस शीतकालीन सत्र में? नियम परंपराओं से मैं आचरण को बदला नहीं जा सकता। नियम परंपराएं एक दृष्टिकोण देती, दिशा देती है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा था कि संविधान को मानने वाले और संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों पर निर्भर करेगा। आज भी संविधान हो चाहे संसद हो, उच्च कोटि की मर्यादाएं, उच्च कोटि का आचरण हमारे विहार में होना चाहिए। जितना हमारे विहार चिंतन में उच्च कोटि का विहार होगा, आचरण की शुद्धता होगी, उतनी ही हम बेहतर संस्थाओं की गरिमा को बढ़ा पाएंगे। जो बाबा साहब ने कहा था विचार आज भी है, और कितना व्यापक दृष्टिकोण था कि अलग अलग विषयों पर उनका दृष्टिकोण, आज 75 वर्ष बाद भी हमें लगता है कि आज उसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मुझे आशा है सब बाबा साहब के उस मार्गदर्शन को मानते हुए कि व्यक्तियों पर बहुत निर्भर करता है, मेरा मानना है कि माननीय सदस्यों के उस आचरण पर, व्यवहार पर बहुत निर्भर करता है हमारी सदन की मर्यादाओं, उच्च कोटि की परंपराओं को लागू करने।